हाय वेलकम टू माय चैनल इस वीडियो में हम समझेंगे फाइव टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वारिलेटरल मीन्स इस वीडियो को यदि आप देखते हैं स्टार्टिंग टू एंड तक तो आप समझ जाएंगे कि फाइव तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वारिलेटरल में उनको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें माइंड में रखनी चाहिए कंस्ट्रक्ट करते समय ठीक है तो ये वीडियो आपके लिए सब कुछ मतलब जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसके आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा ओके okay, तो इसको यदि आप शुरू से लेकर आते तो देखते हैं तो सारे प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व हो जाएंगे वैसे मैंने सारे आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा के बुक्स के क्वेश्चन लगा चुके हैं यदि आप वो भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं वन बाई वन लेकिन ये वीडियो आपको पूरा एसिमुलेशन मिलेगा इसमें पूरा कंप्लीट एवरीथिंग इज जस्ट इन दिस वीडियो ओके जस्ट सी इट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड एंड यू विल हैव ऑल योर प्रॉब्लम्स सॉल्व सो स्टार्ट करते हैं इसको फाइव टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वारिलट तो कौन से हैं ये फाइव टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स तो लेट अस सी वन बाय वन कंस्ट्रक्शन समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स देख लेते हैं सम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स व्हेन वी स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग अ क्वारेट्रेल तो पहला प्रिंसिपल ये है टू कंस्ट्रक्ट अ क्वारिलेटल यूनिकली इट इज नेसेसरी टू हैव द नॉलेज ऑफ एटलीस्ट फाइव इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स तो व्हाट आर दिस फाइव इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स तो सबसे पहले हम एक बना लेते हैं क्वारिलेट्रेल तो यहाँ पर मैंने बना लिया है क्वाडिलेट्रल इस क्वाडिलेट्रल में कितने एलिमेंट्स हैं हमें ये पता करना है तो यहाँ पर देखिए हम इसको इसके वर्टिसेस को हम नोट कर देते हैं ए बी सी डी तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला जो आप देख सकते हैं ए बी बी सी सी डी डी ए ये जो फोर साइड्स हैं फोर साइड्स आर एलिमेंट्स ऑफ दिस क्वाडिलेट्रल आर यू कैन से पार्ट्स ऑफ दिस क्वाडिलेट्रल और इसके ही पार्ट्स और भी हैं क्या है एलिमेंट्स एंगल ए है आपका एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंड एंगल डी मीन्स फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स ये हो गए आपके दीज आर एट एलिमेंट्स ओके लेकिन दो और एलिमेंट होते हैं और वो है आपके डायगनल्स ऑफ दिस मीन्स ए सी एंड बी डी सो ए सी एंड बी डी दीज टू टूगेदर मीन्स टू डायगनल्स यू कैन राइट हियर टू डायगनल्स और ये पूरा मिला कर मिला करके हो जाते हैं कितने टेन एलिमेंट्स टेन एलिमेंट्स दीज आर द टेन एलिमेंट्स ये जो टेन एलिमेंट्स हैं इसमें से देखिए दीखिए केवल आपको फाइव इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स मिल जाएं तो आप कंस्ट्रक्शन इसका कर सकते हैं केवल फाइव ठीक है लेकिन किसी भी आर्डर में नहीं एक स्पेसिफिक आर्डर होना चाहिए क्योंकि किसी भी आर्डर में लेने पर हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जैसे आप मान लीजिए कि आपको फोर एंगल्स मिल जाए और एक साइड मिल जाए तो फाइव एलिमेंट तो मिल रहे हैं बट यू कैनॉट कंस्ट्रक्ट दिस क्वार अब कौन से फाइव स्पेसिफिक होंगे वो हम समझेंगे जस्ट इसके नेक्स्ट स्लाइड में और वन बाई वन हम अच्छे समझेंगे उसके पहले हम देखते हैं दूसरा यहां पर पॉइंट क्या है द डेटा अबाउट फाइव एलिमेंट्स ऑफ ए क्वारिलेटरल टू बी सफिशियंट मस्ट ऑल्सोफाई द इन इक्वालिटी एंगल समर्टी ऑफ ए कॉर्डिलेटरल मीन्स ट्रेंगल इन को सच्चाई करना चाहिए मतलब क्वाड्रिलेटरल में यदि जितने भी ट्रेंगल बनते हैं उसमें ट्रेंिंगल इनक्वालिटी फॉलो होनी चाहिए तो व्हाट इज ट्रेंगल इन इक्वालिटी ट्रिंगल ये कहती है कि किसी भी ट्रेंगल में जैसे कि हम ले लेते ले हैं यहाँ पर ए बी सी यदि हम ए बी सी की बात करें तो इस ए बी सी ट्रेंगल में ध्यान दीजिएगा ए बी प्लस बी सी यदि ग्रेटर होता है थर्ड साइड से मीन्स किसी भी दो एंगल्स को सम करने पर दो साइड्स को सम करने पर सॉरी किसी भी दो साइड्स को सम करने पर ए बी प्लस बी सी ये ग्रेटर होना चाहिए ए सी से तभी हम कहेंगे कि ट्रेंगल इन फॉलो हो रही है यदि ऐसा नहीं होता है मीन्स इट इज़ नॉट ग्रेटर देन ए सी मीन्स ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट ग्रेटर देन ए सी तो हम कहेंगे कि ट्रेंगल इनक्वलिटी इज नॉट फॉलोड और आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे क्वारिनेटर का यदि ऐसा होता है तो किसी भी ट्रेंगल में तो ये होना चाहिए और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रेंगल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल इज इक्वल टू वन हंड्रेड एटी डिग्री तो ऐसा होना चाहिए ठीक है तो खैर ये जो सेकंड वाला प्रॉपर्टी है इसका ज़्यादा यूज नहीं होगा लेकिन फर्स्ट वाला जो टेंगल इनक्वालिटी है ये इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है ठीक है जब भी दो साइड्स का दिया हो और तीसरा जो डायगनल देता है उसका ऐसा होना चाहिए कम्बिनेशन कि दो साइड्स को सम करने पर मीन ए बी प्लस बी सी करने पर जो डायगोनल होना चाहिए वो लेस होना चाहिए हमेशा तभी आप कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे और आप जब कंस्ट्रक्शन करेंगे रियली में तो आप पाएंगे सच में कि ये फॉलो होता है ओके okay. तो हम समझ गए कि फाइव इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स तो चाहिए बट कौन से स्पेसिफिक आर्डर में चाहिए आपको ये भी समझना पड़ेगा ना किसी भी आर्डमा आप नहीं ले सकते और नहीं ड्रा कर सकते तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं कि वो फाइव इनडिपेंडेंट जो एलिमेंट्स हैं वो कौन होने चाहिए तो वन बाई वन यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइप और ये फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स भी पूछा था पूछा जाता है कि ड्रा अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन इट्स फोर साइड्स आर गिवन एंड वन डायग्नल इज गिवन सो यहाँ पर है फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम फोर साइड्स एंड वन डायगनल सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं थ्री साइड्स एंड बोथ डायगनल्स मतलब कि थ्री साइड्स दिया रहेगा और यदि दो डाइंगल दिया जाएगा देन यू कैन कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल। थर्ड टाइप फोर साइड्स एंड वन एंगल ओके फोर्थ टाइप थ्री साइड्स एंड टू इंक्लूडेड एंगल्स एंड फिफ्थ टाइप इज थ्री एंगल्स एंड टू इंक्लूडेड साइड्स यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको कि इंक्लूडेड एंगल्स बिल्कुल स्पेसिफिक है ये मतलब थ्री साइड्स यदि दिया रहेगा तो उनके बीच में थ्री साइड्स के बीच में जो है दो एंगल्स बनेंगे केवल और उस दो एंगल्स को बोलते हम लोग इंक्लूडेड साइड्स सॉरी इंक्लूडेड एंगल्स और वो देना चाहिए वही देना चाहिए हमें यदि वो नहीं दिया रहेगा तो यू कैन हट कंस्ट्रक्ट अ यूनिक क्वाडिलिटर ओके थ्री एंगल्स यदि दिया हुआ है तो थ्री एंगल्स के साथ उनके बीच में इंक्लूडेड जो साइड्स होते हैं वो दो ही होते हैं और यही दो साइड्स देना चाहिए यदि नहीं दिया है यू कैन कंस्ट्रक्ट अ यूनिक क्वाड्रेटरल तो सो दीज आर द फाइव टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स यू विल फेस व्हेन यू स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाडिलेट्रल तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम और कैसे इसको डील करेंगे इसके बारे में समझेंगे तो नेक्स्ट हमारा है, और एक डायगनल ए सी का भी हुआ है तो आप यहां पर स्टार्टिंग कहां से करेंगे कैसे आप इसको समझिएगा ध्यान से आप फोर साइड्स में से किसी भी एक साइड से स्टार्ट कर सकते हैं ओके या फिर आप चाहते हैं डायगनल से स्टार्ट करना तो डायगनल से भी स्टार्ट कर सकते हैं तो जो डायंगनल दिया हुआ है यदि आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है क्योंकि आपको एक डायगनल बस खींचना होगा कितना सिक्स पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर का और यहाँ पर यदि यह आप दे देते हैं आप नाम ए सी तो ए को सेंटर मान करके आपको एक आर खींचना होगा टू पॉइंट एट सेंटीमीटर का और यहाँ पर एक आर मिल जाएगा आपको ऊपर ऐसे और सी पॉइंट को सेंटर मान करके सिक्स पॉइंट फोर सेंटीमीटर का चले करके एक दूसरा आर खींचेंगे ऐसे और ये दोनों जिस पॉइंट पर कट करेंगे वो आपका पॉइंट क्या होगा डी होगा ठीक है और सिमिलरली आप जो है ए को सेंटर मान करके और ये जो 4.4 पॉइंट फोर सेंटरमीटर का रेडियस लेकर के एक आर खींचेंगे नीचे की तरफ ठीक है और उसके बाद हम सी को सेंटर मान करके 4 सेंटीमीटर का रेडियस से लेकर के यहाँ से आर खींच देंगे तो आपको एक पॉइंट दूसरा मिल जाएगा जो कि आपका पॉइंट बी होगा ठीक है और जो आपको दो पॉइंट मिल चुके हैं ए से ज्वाइन कर देंगे यहां पर ए बी एंड सी बी और यहां से भी ज्वाइन कर देंगे ए डी एंड सी डी तो आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा सबसे आसान यही होता है ऐसे तो करके आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं एक है कि आप एक साइड को यदि ड्रा करते हैं तब कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यदि हम एक साइड को ड्रा करते हैं जैसे बी सी को ड्रा करते हैं तो बी सी यदि आपने ड्रा कर लिया ठीक है तो ध्यान दीजिएगा यदि आप बी सी ड्रा करते हैं तो आप बी से आपको देखना होगा कि कौन सा लेंथ दिया हुआ है आपको यही देखना होता है तो बी से जो है लेंथ ये वाले दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर का ये लेंथ है और सी पॉइंट से दिया हुआ है ये 6.6 सेंटीमीटर क्योंकि आप इधर जाएंगे तो आप एक को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे तो किसी भी एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट को हमें फाइंड करना होता है तो एक को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप बी पॉइंट को सेंटर मान करके फोर सेंटीमीटर रेडियस लेकर के यहाँ पर आर खींचेंगे और सी को सेंटर मान करके और सिक्स सेंटीमीटर रेडियस लेकर के आप यहां पर खीचेंगे और ये जो पॉइंट मिलेगा आपको मिल जाएगा ए ए मिलने के बाद अब यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे हम बी को ए से बी को ए से ज्वाइन कर देंगे सी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायगनल क्यों बनाना हमें तो बस फाइंड करना है कि क्वाड्रेटर का क्वाड्रेटर का कंस्ट्रक्शन जो है हो जाए अब ए को सेंटर मान करके 2.8 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के अब ए लेंथ का मतलब लेकर के एक आर खींचेंगे इधर एक आर्क ऐसे इधर खींचेंगे उसके बाद सी को सेंटर मान करके और रेडियस लेंगे आप कितना 6.4 सेंटीमीटर का और दूसरा खींचेंगे तो तो आपको मिल जाएगा पॉइंट डी मतलब मतलब कहने का ये मतलब है कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं या तो एक साइड से या फिर एक डायगनल से और सबसे आसान जो कंस्ट्रक्शन होता है वो यही फर्स्ट टाइप में है चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड टाइप और उसमें समझते हैं कैसे करेंगे तो यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे आपका हो जाएगा ना द नेक्स्ट टाइप कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स व्हेन थ्री साइड्स एंड बोथ डायगनल्स गिवन ओके तो हमने एक प्रॉब्लम ले लिया है यहां पर आपको यहाँ पर थ्री साइड्स दिया रहेगा ए बी बी सी सी डी इसे हमने यहाँ पर ले लिया है और टू डाइगनल्स आपको डेफिनेटली दिया रहेगा इस टाइप का प्रॉब्लम यदि रहता है तो ए सी एंड बी डी भी हम ले लिया है तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कैसे कैसे स्टार्ट करके हम क्या सोचते हुए करेंगे इसके बारे में आप समझ लीजिए यहाँ पर ध्यान से ये जो थ्री थ्री जो साइड्स दिया हुआ है इन थ्री साइड्स में से किसी भी एक साइड को ड्रा करके आप स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इन दोनों डायगनल्स में से किसी भी एक को लेकर के स्टार्ट कर सकते हैं तो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ कैसे करेंगे आप कंस्ट्रक्शन यदि आप डायग्नल एक लेकर के स्टार्ट करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं ए यदि आप ए को ड्रा कर लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बस अब देखना है कि ए वर्टेक्स और सी वर्टेक्स इन दोनों वर्टिसेस से हम किधर से जा सकते हैं तीसरे वर्टेक्स पर तो बी पर जाने के लिए दोनों रास्ते पता हमें हैं मतलब ए से बी तक जाने में 6.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर दिया हुआ है और सी से बी तक जाने में दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर आप डी तक नहीं जा सकते क्योंकि आपको ए डी नहीं पता और केवल सी डी ही पता है ठीक है तो आपको देखना होगा जब डैंग ड्रा कर लेंगे तो देखना होगा कि आप किधर जा सकते हैं थर्ड वर्टेक्स से किस तरीके से तो ये आप आर खींच करके मतलब 6.5 पॉइंट फाइव सेंटीमीटर रेडियस लेंगे एक को सेंटर मानेंगे और यहाँ से एक आर खींचेंगे फिर सी को सेंटर मान करके 4.4 पॉइंट फोर सेंटीमीटर रेडियस लेकर के दूसरा आर खींचेंगे दोनों कट करेंगे बी पॉइंट पर और दोनों को ज्वाइन कर देंगे आफ्टर दैट अब क्या करना है अब डीप पॉइंट तक तो, तो हमें जाना ही है डीप पॉइंट को तो कोश करना ही है तो ए को सेंटर मान नहीं सकते आप कभी भी तो जो हमें तीसरा पॉइंट मिल चुका था बी उसको सेंटर मान करके हमें यह लेंथ दिया हुआ है देखिए 7.1 सेंटीमीटर तो बी को सेंटर मान करके एक आर खींच लेंगे ऐसे और सी को सेंटर मान करके फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर रेडियस रेडियस लेकर के एक दूसरा आर्क खींच लेंगे और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिलेगा दोनों आर्स का वो आपको पॉइंट डी मिल जाएगा तो ये आपका हुआ एक डायगनल ड्रा करके कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे यदि आप एक साइड ड्रा करते हैं पहले तो कैसे इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे फिर तो मान लीजिए कि आप ए भी पहले ड्रा कर लेते हैं यदि आप ए भी पहले ड्रा करेंगे तो देखिए ए ध्यान दीजिएगा ए से आप सी तक जा सकते हैं और बी से आप सी तक जा सकते हैं डी तक नहीं जा सकते ए से तो आपको बस यही देखना है कि तीसरे पॉइंट तक जाने के लिए कौन सा रास्ता दिया हुआ है तो ए दिया हुआ है सिक्स सेंटीमीटर तो इतना रेडियस लेकर के और सेंटर मान करके एक आर खींच लेंगे उसके बाद सिर्फ बी पॉइंट को सेंटर मान करके फोर सेंटीमीटर रेडियस लेकर के दूसरा आर खींचेंगे जो सी बन मिल जाएगा अब ये दोनों मिल गया तीनों मिल गया हमें अब डी तक जाना है तो डी तक जाने के लिए देखिए कि कौन से इन तीनों वर्टिसेस में से रास्ता जा रहा है तो बी पॉइंट से आप देख सकते हैं यहाँ पर जा सकते हैं 7.1 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के और सी पॉइंट से भी जा सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के तो यहां से आर्क लेंगे यहां पर और यहां से आर्क लेंगे ऐसे दोनों मिल जाएगा डी पॉइंट तो ये दो ही तरीके हैं मतलब कि किसी भी थ्री साइड्स में से कोई एक साइड करके both times, both okay? चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम थर्ड टाइप थर्ड टाइप है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हेन फोर साइड्स एंड वन एंगल आर गिवन तो फोर साइड्स दिया हो और वन एंगल दिया हो तो कैसे कंस्ट्रक्स करेंगे चलिए देखते हैं ध्यान दीजिएगा हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया है आपके फोर साइड्स गिवन है ए बी बी सी सी डी डी ए एंड वन एंगल इज ऑल्सो गिवन वन ट्वेंटी डिग्री एंगल तो यहाँ पर सबसे पहले जो सोचना है कंस्ट्रक्शन में जो एंगल दिया रहता है उससे जो अटैच्ड साइड्स होते हैं उनमें से ही किसी एक को हम ड्रा करके स्टार्ट कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है या तो आप ए बी ड्रा करें पहले उसके बाद से बी सी ड्रा करना पड़ेगा या आप पहले बी सी ड्रा करिए उसके बाद से वन ट्वेंटी डिग्री एंगल बनाते हुए बी पॉइंट पर ए बी ड्रा करिए उसके बाद जब ए और सी पॉइंट मिल जाएंगे तब जा करके आप ए को सेंटर मान करके फोर सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के आप डी पॉइंट पर आर खींच सकते हैं उसके बाद से सी को सेंटर मान करके फाइव सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के डी पर दूसरा आर खींचेंगे जो कट करेंगे डी पॉइंट पर ओके okay. यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है यदि आप सोच रहे होंगे कि पहले हम एडी ड्रा कर लेंगे तब भी कर सकते हैं क्या तो नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे मैं आपको रीजन बताता हूँ यदि आप एडी ड्रा करेंगे तो एडी ड्रा करने के बाद तो तो आप सी पॉइंट को फाइंड करना चाहेंगे या फिर बी पॉइंट को फाइंड करना चाहेंगे यदि आप डी ड्रा कर लिए हैं और सी पॉइंट को फाइंड करना चाहते हैं तो डी से ही केवल एक रास्ता है ए से तो रास्ता पता ही नहीं है क्योंकि आपको डायगनल नहीं दिया हुआ है इसीलिए आप यहां से आर्क खींच नहीं सकते केवल आप डी से ही आर्क खींच सकते हैं तो एक आर्क से तो आपको पॉइंट मिलेगा नहीं ठीक है और सिमिलरली यदि आप बी पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं तो केवल ए से ही आप बी तक जा सकते हैं डी से आप जा ही नहीं सकते क्योंकि आपको ना एंगल पता है ना ही डायगनल पता है बी डी तो केवल एक ही तरीका है और वो एक तरीका क्या है जो मैंने बता दिया आपको आप समझ चुके होंगे चलते हैं आप फोर्थ टाइप पर और उसको समझते हैं फोर्थ टाइप है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वार्स वेन थ्री साइड्स एंड टू इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवेन ओके तो यहां पर आप कैसे करेंगे कंस्ट्रक्शन तो ध्यान दीजिएगा मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर ए बी बी सी सी डी तो ए बी बी सी सी डी आपको दे दिया है और दो एंगल्स आपको इंक्लूडेड वाले दे दिए हैं देखिए 130 और 60 जो है इंक्लूडेड एंगल्स हैं यदि 130 थर्टी यहाँ ना देकर के यहाँ दे देता तो आप इस क्वारेटर का कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते ठीक है तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि तीन साइड जो दिया हुआ है उनके बीच में दो जो दो इंक्लूडेड एंगल्स हैं वही पता है ना ओके okay, तो ऐसा है तो अब कैसे हम करेंगे इसका कंस्ट्रक्शन कहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये तीनों साइड्स हैं इन तीनों साइड्स में से किसी एक से आप स्टार्ट कर सकते हैं तो हम यहाँ पर मान लीजिए कि ए बी से स्टार्ट करते हैं तो ए बी को ड्रा करने के बाद आपको यहाँ पर सिक्सटी डिग्री एंगल बना करके एक रेड ड्रा करना पड़ेगा बी से और जब बी से रे ड्रा कर लेंगे तो आप सेवन सेंटीमीटर का एक आर खींच सकते हैं जो उस रे को काट देगा सी पॉइंट पर और सी पॉइंट मिलने के बाद आप सी पॉइंट पर प्रोडक्टर की हेल्प से वन थर्टी डिग्री एंगल बना सकते हैं और जब वन थर्टी डिग्री एंगल बनाएंगे तो ये एक रे बनेगा सी से सी जेड या सी वाई या सी एफ सी एक्स कुछ भी मान सकते हैं आप तो ऐसा करने के बाद सी पॉइंट को सेंटर मान करके सिक्स सेंटीमीटर रेडियो से लेकर के एक आर खींचेंगे तो सी जेड या सी वाई जो रे आप खींचे होंगे उसको कट करेगा एक पॉइंट पर जो मिलेगा आपको पॉइंट तो D मिल गया और ए पॉइंट तो मिला ही था क्योंकि आपने शुरू में ही ए बी ड्रा किया था तो ए डी को ज्वाइन कर देंगे दैट्स दैट्स हाउ यू कंस्ट्रक्ट दिस क्वाड्रिलेटरल या आप ए बी से ही नहीं बल्कि बीसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं यदि से करते हैं तो आपको सी पर वन थर्टी डिग्री एंगल बना करके करना पड़ेगा और बी पर एंगल बना करके एक रेडा करना पड़ेगा उसके बाद से एट सेंटीमीटर लेकर ए और ए और डी पॉइंट कर देंगे तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे करेंगे इसको ओके okay? तो ये भी सिंपल है काफी बस आपको ये सोचना है कि जो साइड्स दिए हुए हैं वहीं से स्टार्ट करेंगे आप चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ टाइप एंड द लास्ट टाइप कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स व्हेन थ्री एंगल्स टू इंक्लूडेड साइड्स आर गिवन फिफ्थ टाइप में दो तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं पहला टाइप है जैसा कि एक्जैक्टली exactly जो क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर कि थ्री एंगल्स एंड टू इंक्लूडेड साइड्स तो यहाँ पर थ्री एंगल्स दे दिया है ए बी सी और इन तीनों एंगल्स के बीच में जो इंक्लूडेड साइड्स हैं ए बी एंड बी सी वो भी दे दिया है तो इस तरह का एक प्रॉब्लम पूछ सकता है और दूसरा टाइप क्या है जब आपका जो इंक्लूडेड साइड्स हैं उनमें से एक बीच का एंगल ना दे करके वो अपोजिट वाले एंगल दे दे ठीक है या फिर कोई भी दूसरा एंगल दो दे देंगे आपको ये तीनों जो मतलब जो दो साइड्स हैं उनसे अटैच्ड थ्री एंगल्स हैं उनमें से किसी एक को ना दे, नहीं देगा ऐसा हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर जो पहला टाइप है उसको कैसे डील करेंगे कैसे आप कंस्ट्रक्ट करेंगे इसको तो ध्यान दीजिएगा इसको ड्रा करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी एक साइड से स्टार्ट कर सकते हैं तो मान लीजिए हम बी सी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जिसका लेंथ दिया रहेगा वही तो ड्रा करेंगे आप पहले तो बी सी मान लीजिए दिया हुआ है एट सेंटीमीटर इसको ड्रा कर लिया आप ये ड्रा करने के बाद आप एंगल बनाएंगे सेवेंटी फाइव डिग्री का यहाँ पर और बी से होते हुए एक रे ड्रा करेंगे और उस रे को कट करेंगे एक आर्क के द्वारा जो फोर सेंटीमीटर होगा और बी के सेंटर को बी को सेंटर मान करके ऐसा करेंगे ठीक है तो ए पॉइंट पर मिल जाएगा आपको एक इंटरसेक्शन जो ए पॉइंट होगा और ए पॉइंट से आप 140 डिग्री एंगल बना सकते हैं तो यहाँ से एक रे खींच सकते हैं ठीक है और जो हमने बी जो लेंथ खींचा था वहाँ पर सी पर आप सिक्सटी डिग्री एंगल बना सकते हैं और जब सी पर बनाएंगे एंगल बनाते हुए एक रे खींचेंगे सी के द्वारा यहाँ से सी से स्टार्ट करके तो सी वाई और यहाँ से ए जेड ये जो दो रे जाकर के जहाँ कट करेंगी वो पॉइंट आपका डी मिल जाएगा और इस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन कर लेंगे मतलब बस एंगल का कंस्ट्रक्शन करना है दैट्स इट बहुत आसान है ये यहाँ पर क्या होगा कि देखिए आपको ये एंगल नहीं पता यदि ये एंगल नहीं पता तो बिना इसको फाइंड किए आप इसका कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते डेफिनेटली ये बात सुन लीजिए अच्छे से मतलब कि पहले ये फोर्टी दिया हुआ है नाइन्टी दिया हुआ है वन टेन दिया हुआ है तो आपको ये एंगल सी फाइंड करना ही पड़ेगा बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वारेट्रल्स ठीक है सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ अ अक्वाडुलेट्रल इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव तो so, उसका यूज़ करके आप एंगल सी फाइंड करेंगे एंगल सी फाइंड करने के बाद जो कि हम अभी फाइंड करें तो कितना मिलेगा देखिए 110 और 90 मिलेंगे तो ये हो जाएगा 200 240 हो जाएगा 240 में कितना जोड़ें कि 365 हो जाए 125 तो ये आपका एंगल होना चाहिए 125 दिस एंगल इज 125 डिग्री तो ये पहले फाइंड करने के बाद ही आप स्टार्टिंग करोगे मतलब कि अब यहाँ से बी या तो ड्रा कर सकते हो या सी ड्रा कर सकते हो मतलब इन दोनों को ड्रा करके स्टार्ट कर सकते हैं यदि आप पहले पहले बी सी स्टार्ट करते हैं मान लीजिए तो बी को सेंटर मान करके नहीं सेंटर कुछ नहीं मानना यहाँ पर आपको बस बी सी ड्रा करने के बाद ये एंगल ड्रा करना है 125 125 एंगल ड्रा करेंगे तो सी से एक रे जाएगी और इस सी रे पर एक आर खींचेंगे सी को सेंटर मान करके सिक्स सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के तो आपको जो डी पॉइंट है वो मिल जाएगा अब डी पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं सिमिलरली जो बी सी आपने खींचा था उस बी पॉइंट से आप 110 डिग्री का एंगल बनाएंगे दोनों जो रेज जाएंगी यदि दोनों जाकर कट करती हैं किसी पॉइंट पर तो वो पॉइंट होगा आपका ए और आपका ए बी सी डी कंस्ट्रक्ट हो चुका होगा उस समय तक ओके तो इस तरीके से आप ये फाइव टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को डील करेंगे तो आप देख चुके हैं कि कैसे ये मैंने किया और कैसे आप कर सकते हैं ओके यदि आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स चाहिए मतलब यहाँ पे मैं आपको समझाया हूँ कि कैसे बनाएंगे आप लेकिन यदि आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स चाहिए तो आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स और जैसे जैसे मैंने सॉल्व किया है सारे टाइप्स की प्रॉब्लम्स आप ऊपर देख सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि कैसे ये हुआ यदि आपको अभी भी किसी तरह का डाउट यदि आपको नज़र आ रहा है या किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बता सकते हैं यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तब भी यदि आप कमेंट में कुछ करेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा सच में आप लोगों के कारण ही मैं हूँ और आप तो जानते ही हैं मतलब आप यदि नहीं रहेंगे तो मैं कुछ नहीं करवाऊँगा ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यदि आप अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय